गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने और वादे करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गांधीनगर में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिस घोषणा पत्र को उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि पार्टी 20 लाख नौकरियां सृजित करेगी और सरकारी स्कूलों में सुधार करेगी। भाजपा गुजरात को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का भी वादा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में क्या क्या वादे किए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। गुजरात में सत्ता में लौटने के बाद जनता को 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का प्रॉमिस किया गया है। गुजरात में कृषि के उत्थान के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। सिंचाई नेटवर्क के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की भी योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर परिवार को फ्री चिकित्सा सुविधा के लिए मिलने वाली रकम 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क को भी निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा अगले 5 साल में गुजरात की 1 लाख महिलाओं को बेरोजगार मुक्त किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि अगर वो गुजरात की सत्ता में आती है तो पार्टी 500 करोड़ रुपए के बजट में गौशालों को मजबूत करने का काम करेगी। 1,000 एडिशनल मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए कहा है।